वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रिपल एम क्रिकेट सेंटर और बात करेंगे आज महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषित किया, यानी कि अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में नहीं देखने को मिलेंगे हमें महेंद्र सिंह धोनी, पर 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल में जरूर हमें देखने को मिलेगा धोनी का जलवा। धोनी चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेंगे आईपीएल में और आपको पता ही है हर साल चेन्नई सुपर किंग्स कितना अच्छा प्रदर्शन करती है धोनी की कप्तानी में, और इस बार भी हमें आशा है कि हमें धोनी का वही स्टाइल, वही मैग्निफिसेंट जोश देखने को मिलेगा इस आईपीएल सीजन में भी। पर आज मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूं वो कुछ हटकर है। ये स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है और महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हुई है। क्या आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी की नेटवर्थ कितनी होगी? मैं बताती हूं, महेंद्र सिंह धोनी की नेटवर्थ है लगभग 111 मिलियन डॉलर, यानी कि 8 अरब 35 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे इतना कमाते कैसे हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो मैं आपको बता दूं केवल क्रिकेट ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी वो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के अलग अलग बिजनेसेस हैं जहां पर उनका बहुत ही शानदार स्टैंड है और यहीं से वो इतनी बढ़िया कमाई करते हैं। जब वो इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ऑब्वियसली कमाई भी इतनी अच्छी होगी। पर क्या आपको पता है कौन से बिजनेसेस में महेंद्र सिंह धोनी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं? तो आज मैं बताऊंगी कि क्रिकेट के अलावा कहां से इतना पैसा आता है महेंद्र सिंह धोनी को और कितना बड़ा नाम कमा रहे हैं वो अलग अलग बिजनेसेस में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं होटल की। महेंद्र सिंह धोनी का झारखंड में एक होटल है जिसका नाम है माही रेजिडेंसी। इससे साबित होता है महेंद्र सिंह धोनी होटल के बिजनेस में भी छाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी होटल मैनेजमेंट कर चुकी हैं और इस वजह से उनका ये बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के लिए तो आप सभी लोग जानते हैं, पर क्या आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी का हॉकी में भी दबदबा है? जी हाँ, हॉकी इंडिया लीग की टीम रांची रेज के मालिक हैं महेंद्र सिंह धोनी। ये टीम 2014 में रांची राइनोस की जगह आई थी। तो हमने बात करी क्रिकेट की, हॉकी की, पर ऐसे कैसे हम फुटबॉल की बात ना करें, क्योंकि बचपन से ही महेंद्र सिंह धोनी को फुटबॉल बहुत पसंद था। और वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी कैसे चांस छोड़ सकते थे जब उन्हें फुटबॉल में आने का मौका मिला? इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन सुपर लीग की टीम चेन्नई एफसी को खरीदा। मैं आपको बता दूं, इस टीम के सह मालिक है महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि को ओनर है, और इस तरह से धोनी का नाम फुटबॉल में भी काफी फेमस है। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। पिछले साल महेंद्र सिंह धोनी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कदम रखा। खबरों की मानी जाए तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कंपनी जिसका नाम है धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अब एक नया ऑफिस अंधेरी में भी खोल दिया है। मैं आपको बता दूं, ये कंपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट और टेलीविजन शोज बनाती है। इस कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था हॉटस्टार के लिए जिसका नाम था द रोर ऑफ द लायन। ये शो काफी इंटरेस्टिंग है, धोनी भी है इस शो में, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा द रोर ऑफ द लायन देखने के बाद, तो जरूर देखेगा एंड आई एम श्योर कि आपको काफी अच्छा लगेगा ये ओटीटी प्लेटफॉर्म का कॉन्टेंट। आई एम श्योर आप सभी लोगों को पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी को बाइक्स कितनी ज़्यादा पसंद है, तो जब माही को इतनी बाइक्स पसंद है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो रेसिंग में अपना हाथ ना आजमाए? महेंद्र सिंह धोनी साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ सुपर स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम माही रेसिंग टीम इंडिया के सह मालिक हैं। अब बात करते हैं फैशन की। महेंद्र सिंह धोनी फैशन के मामले में भी अपना ब्रांड बना चुके हैं। मैं आपको बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी ने लाइफस्टाइल के ब्रांड सेवन में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने खुद 2016 में इसका इनॉग्रेशन किया था। इस ब्रांड के फुटवेयर के मालिक हैं महेंद्र सिंह धोनी। अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी के फिटनेस के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस किसी भी युवा खिलाड़ी से कम नहीं है। धोनी के लिए एज इज जस्ट अ नंबर, और आप उन्हें कभी भी मैदान में देख लीजिए, ऐसा कभी नहीं लगेगा कि उनकी फिटनेस में जरा सी भी कमी है।
महेंद्र सिंह धोनी हमेशा फिट रहते हैं और उन्हें पता है कि फिटनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, इसीलिए उन्होंने पूरे भारत में लगभग 200 जिम खोले हैं स्पोर्ट्स फिट के नाम से और इस कंपनी में भी वो सह मालिक हैं। अब आप जरा सोचिए, आप महेंद्र सिंह धोनी को ऑन स्क्रीन क्रिकेट के अलावा सबसे ज्यादा कहां पर देखते हैं? एडवर्टीजमेंट्स में। यस, महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा विज्ञापनों में नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं, धोनी के पास लगभग 20 विज्ञापन हैं, यानी कि वो 20 विज्ञापनों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनका फेस नजर आता है हमें उन्हीं सब एडवर्टीजमेंट्स में, और शायद ही शाहरुख खान के पास उनसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स होंगे, वरना किसी और के पास इतने एड्स नहीं हैं। और महेंद्र सिंह धोनी इन विज्ञापनों से लगभग कमाते हैं 195 करोड़ से भी ज्यादा। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ क्रिकेट और दूसरी तरफ इतने सारे बिजनेसेस, तो कहां से आता है इतना सारा पैसा? ये पैसा ना ही केवल इतने बिजनेसेस से आता है बल्कि मेहनत से आता है। धोनी ने न केवल क्रिकेट में अपना नाम कमाया है बल्कि इन बिजनेस में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो लोगों के लिए हमेशा आगे बढ़कर मदद करते हैं, लोगों के लिए हमेशा आगे रहते हैं, और हमेशा ही हमने देखा है कि महेंद्र सिंह धोनी जो भी काम करते हैं बहुत शिद्दत से करते हैं, और यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है, क्योंकि उनके इतने सारे बिजनेसेस हैं और हर बिजनेस में वो टॉप क्लास परफॉर्मेंस देते हैं। तो हम बात कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी के नेटवर्थ के बारे में। Isn't it so interesting? जिस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट को इतना सब कुछ दिया है, वो खिलाड़ी भारतीय बिजनेस को भी इतना अच्छा मुकाम दे रहा है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है। चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, रेसिंग हो, फुटबॉल हो, फिटनेस हो, या फिर एंटरटेनमेंट एंड फैशन इंडस्ट्री, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपना नाम नहीं कमाया और अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। ऐसे ही हम महेंद्र सिंह धोनी को चीयर करते रहे, और आने वाले आईपीएल में भी हमें देखने को मिलेगा कि धोनी किस तरह शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने जितना भारत को दिया है, शायद ही कभी कोई और व्यक्ति इतना दे पाए। महेंद्र सिंह धोनी हम सभी के लिए एक गर्व का नाम है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग स्टोरीज देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर, एंड वी विल मेक श्योर दैट वी मेक यू हैप्पी एंड वेरी जॉयफुल विद दीज इंटरेस्टिंग स्टोरीज। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट।